अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ही ठीक होंगे। वेल, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है अभी थ्योरी का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल का पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी को कंप्लीट कर लें। आज जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टोरेज डिवाइसेस। वेल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में स्टोरेज डिवाइसेस का कराया था, ठीक है। लेकिन अब जो है हम फर्दर स्टोरेज डिवाइसेस को स्टडी करेंगे कि ये होती क्या हैं, टाइप्स वगैरह इनके अभी स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? अच्छा, देखें, जिस तरह से जो कंप्यूटर्स होते हैं, जाहिर सी बात है, उनको अपनी डेटा जो है स्टोर करने के लिए, सच एस कौन सी डेटा, म्यूज़िक हो गई, वीडियोस हो गई, पिक्चर्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, ईमेल्स, मतलब इस तरह की डेटा उनको कहीं ना कहीं तो स्टोर करनी पड़ती है। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? एक स्टोरेज चाहिए, ठीक है। अब देखें, ये तो एक मशीन है। अगर हम एक मिसाल ले लेते हैं ह्यूमंस का, इंसानों का, अगर हम में देखें जैसे ह्यूमंस, तो हमें जाहिर सी बात है हमें भी एक स्टोरेज की नीड पड़ती है अपना सामान रखने के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये मशीन है, मशीन ऑल्सो नीड्स समथिंग टू स्टोर इट्स डेटा। जिस तरह से देखें हमारे ड्रेसेस वगैरह रखने के लिए वी नीड अ वार्डरोब, ठीक है, वार्डरोब या कपबोर्ड हमें उसकी नीड होती है जिसपे हमें अपने ड्रेसेस रखते हैं। तो सिमिलरली देखें, हमारे पास कितने टाइप्स हैं स्टोरेज के? स्टोरेज के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है जो कि इंटरनल मेमोरी कहा जाता है जिसको, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज जिनको कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी। अच्छा जी, अभी हम स्टडी कर रहे हैं प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, जिसको कहा जाता है इंटरनल मेमोरी, ठीक है। इंटरनल का मेमोरी का मतलब क्या होता है कि सिंपली जो पीसी के या लैपटॉप के, लैपटॉप का जो भी लैपटॉप के या पीसी के अंदर मौजूद हो, ठीक है। पीसी में क्या होता है? सिस्टम यूनिट, वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, पढ़ लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि इंटरनल मेमोरी टेम्परली स्टोर्स डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू दैट अलाउज टू इट टू प्रोसेस डेटा। अच्छा, जो इंटरनल जब भी मेमोरी की बात की जाए, ठीक है, तो आप एक बात याद रखें कि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, ठीक है। कौन डायरेक्टली इसको एक्सेस करता है? सीपीयू। जो भी इंटरनल आपकी मेमोरी होती है उसको जो सीपीयू होता है ये, वो जो है डायरेक्टली एक्सेस करता है। क्या, क्यों, किस लिए एक्सेस करता है? डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। जो भी आपकी इंटरनल मेमोरी होती है वो आपकी एक तो वोलेटाइल होती है नेचर से। इसका वोलेटाइल का मकसद क्या है? सिंपली जो भी डेटा है वो आपकी इरेज हो सकती है, ठीक है, जब क्या हो जाए, पावर इज टर्नड ऑफ, जब पावर कट हो जाए। मतलब अगर आपके पास, अगर आप काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है तो क्या होगा? जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका इरेज हो जाएगा, वो काम आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। मच सिमिलर देन सेकेंडरी और टर्शरी स्टोरेज बट मच क्विकर टू एक्सेस, ठीक है। कहता है कि सेकेंडरी और टर्शरी स्टोरेज से तो सिमॉलर है, छोटी है, ठीक है, लेकिन उनसे ज़्यादा क्विक है, मतलब उनसे ज़्यादा तेज़ है। अच्छा ठीक है, इसके फर्दर टाइप्स पढ़ते हैं। कितने टाइप्स हैं इसके? एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको आप रैम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी हो गया, कैशे मेमोरी हो गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, रैम। अब देखिए रैम के अंदर क्या होता है कि सिंपली रैम इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज का एक फॉर्म है, ठीक है। क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। और जो कि कौन सी चीज़? मशीन कोड करंटली बीइंग यूज्ड। अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल जिस तरह से अभी मैं जो है ये पावर पॉइंट या पीपीटी जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये जो करंट जो डेटा स्टोर हो रहा होगा वो इस रैम में हो रहा होगा, ठीक है, जो करंटली डेटा प्रोसेस कर रहे हो। अब देखिए जैसे ये मैं राइट कर रहा हूँ तो ये अभी जो है रैम इसको एक्सेस कर रही होगी जो कि सीपीयू के पास जा रहा होगा। तो ये सारा जो करंटली जो मैं वर्क कर रहा हूँ ये आपकी इसको रैम स्टोर करती जा रही है, ठीक है। अ रैंडम एक्सेस मेमोरी डिवाइस अलाउज डेटा आइटम्स टू बी रीड, किस लिए अलाउ करती है? कि डेटा को रीड किया जाए। अब देखें ये जो मैंने राइट किया रीड हो सकती है आपकी, ठीक है, रिटेन इन ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, तो वक्त भी सेम लगता है, ठीक है।
इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा इनसाइड द मेमोरी। सही है, आगे चलते हैं। रीड ओनली मेमोरी। अब रोम क्या कहती है, ये सिंपली नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जब आपकी लाइट चली जाए तो डेटा क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है। जो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि आपकी डेटा इरेज नहीं होती, आपकी डेटा इरेज नहीं होती। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये सिंपली यूज्ड होती है कंप्यूटर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सिंपली। ठीक है, अच्छा डेटा जो है रोम के अंदर जो भी स्टोर करते हैं आप, वो स्लोली, वो क्या होती है, मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज हो सकती है, या तो स्लोली चेंज हो सकती है या बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकती। डिफ़िकल्टी का मतलब डिफ़िकल्टी के बड़ी मुश्किल से चेंज होगी, या फिर नॉट एट ऑल, या फिर कभी वो चेंज ही नहीं होगी। अब इसका क्या मतलब है, अब देखें इसके एग्जांपल क्या है। फर्मवेयर हो गया आपका, ठीक है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपका स्पेसिफाइड जो भी हार्डवेयर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा जो भी मतलब ये इस पर रोम के अंदर जो भी मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल्ड होता है, वो उसको फ्रीक्वेंट अपडेट्स की नीड नहीं पड़ती, जिस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, अब जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, आपके मोबाइल के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर है, या फिर आपके पीसी के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की ऐप है, ठीक है, तो ये जो है इरेज आप नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि ये ऑलरेडी जो है रोम पर बिल्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा कैशे मेमोरी क्या होती है, सिंपली स्मॉल साइज्ड होती है, ठीक है, वोलेटाइल होती है। अच्छा ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था रीड ओनली मेमोरी पर, मैंने कहा कि इसके अंदर क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जैसे मिसाल दिया, ठीक है, अब रोम में हम जो है कोई भी नई डेटा नहीं डाल सकते हम खुद से, ये जब तक मैन्युफैक्चरर इसमें ना चेंजिंग करे। अगर हाँ, अगर इसके अंदर क्वालिटी होगी तो मैन्युफैक्चरर भी चेंज कर सकता है, वरना वो भी नहीं कर सकता। अच्छा कैशे मेमोरी पे आते हैं। कैशे मेमोरी में क्या कहता है कि सिंपली टाइप ऑफ वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है, जो क्या करती है, आपको प्रोवाइड करती है हाई स्पीड डेटा और एक्सेस करने के लिए हाई स्पीड डेटा एक्सेस टू प्रोसेस एंड स्टोर फ्रीक्वेंटली, प्रोसेसर के लिए प्रोसेस करने के लिए और उसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए फ्रीक्वेंटली, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, अब ये क्या है, फास्टेस्ट मेमोरी है, जो पूरे कंप्यूटर के अंदर जो फास्टेस्ट मेमोरी है दैट इज़ योर कैशे मेमोरी। और ये जो है आपका जो मदरबोर्ड होता है उसके साथ इंटीग्रेटेड, का मतलब क्या होता है, मतलब उस आपके मदरबोर्ड में ये चिपकी हुई होती है। ठीक है, जैसे अच्छा ये देखें इसकी पिक्चर, ये बिल्कुल अटैच्ड होती है, मतलब इसको हम डिटैच नहीं कर सकते, यहाँ से निकाल नहीं सकते मदरबोर्ड से। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज या एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती सीपीयू से, ठीक है, इनको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। किस लिए यूज़ होती हैं, फॉर डेटा नॉट करंटली बींग प्रोसेस्ड। अब देखें पहले जो हमने प्राइमरी के बारे में बात की थी, ठीक है, तो जो प्राइमरी हमारी जो स्टोरेज थी उसमें करंटली जो भी हम वर्क कर रहे थे, जिस तरह से अभी ये मैं राइट कर रहा हूँ, वो उससे एक्सेस हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसमें इस चीज़ की नीड नहीं पड़ती, मतलब जो भी हम करंट वर्क कर रहे हैं ये होता है प्राइमरी का काम। अच्छा जो फ्यूचर यूज़ के लिए हम ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ करते हैं, जो भी डेटा हमें फ्यूचर यूज़ के लिए रखनी होती है, विच में नीड टू बी एक्सेस्ड एट अ लेटर स्टेज। लेटर स्टेज का क्या मतलब है, फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है, नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि डेटा इरेज नहीं हो सकती, इरेज बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एज डेटा रिमेंस इंटैक्ट इवन व्हेन पावर्ड ऑफ, जब भी आप अगर पीसी को बंद भी कर दें, ठीक है, तब भी वो डेटा उसके अंदर पड़ी रहती है। टाइप्स क्या है, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, या यूएसबी ड्राइव, सीडी हो गया, डीवीडी और मैग्नेटिक टेप हो गया। अच्छा हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, सिंपली हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका पूरा नाम है, हार्ड डिस्क भी कहा जाता है, इसको हार्ड ड्राइव भी कहा जा सकता है, या फिर फिक्स्ड ड्राइव भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये सिंपली क्या है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल डेटा स्टोरेज है। ठीक है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज के
ठीक है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैकेनिकल है एक तो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। अच्छा, क्या करते हैं, क्या कह रहा है कि यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज, क्या करती है? मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ करती है डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव या फिर से उसको हासिल करने के लिए। डिजिटल जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर इंस्क्राइब्ड है वन और मोर रिजिड रैपिडली रोटेटिंग डिस्क। इसके अंदर, अच्छा, ये इसके अंदर डिस्क हैं जो कि रोटेट करती रहती हैं, जिनको हम प्लेटर्स कहते हैं, ठीक है। ये कोटेड होती हैं मैग्नेटिक मटेरियल के साथ, ठीक है। इनके अंदर हम डेटा को राइट कर सकते हैं और देन हम उसको फ्यूचर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम फ्लैश मेमोरी के बारे में स्टडी करते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? सिंपली आपकी इलेक्ट्रॉनिक होती है, सॉलिड स्टेट होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, जिससे डेटा इरेज नहीं हो सकता। सिंपली आपकी ये आपका स्टोरेज मीडियम का टाइप होते हैं, ठीक है। और दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम्ड। अब इसमें क्या होता है कि आप डेटा को अपने खुद से इरेज भी कर सकते हो, रिप्रोग्राम भी कर सकते हो, मतलब उसको वो डेटा उसमें आप डाल भी सकते हो इन यूएसबीज में और निकाल भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है, डिलीट भी कर सकते हो। फ्लैश मेमोरी इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप यूज्ड फॉर स्टोरेज, स्टोर करने के लिए एंड ट्रांसफरिंग डेटा, डेटा को ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से आपने फॉर एग्जांपल मूवीज़ लेनी है अपने दोस्त से, तो आप ये जो है उसके पास यूएसबी लेकर जाएंगे, वो अपने पीसी के अंदर लगाएगा, ठीक है, वहाँ से आपको मूवी निकाल के देगा इसमें, देन यू कैन कम एंड वो आप अपने पीसी के अंदर वो लगा सकते हैं, ठीक है भाई। बिटवीन ए पर्सनल कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में से किसी भी डिजिटल डिवाइस में भी लगा सकते हैं। अच्छा देखें, ये जो है मेमोरी कार्ड्स हैं, ठीक है। अब मेमोरी कार्ड्स क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोबाइल में मूवी देखनी है, तो अब मैं कंप्यूटर वाले के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाई मुझे इसमें क्या कर दो, मूवी डाल के दो, वो मूवी डाल के देगा, देन आई कैन पुट दिस इनटू माय मोबाइल फोन टू वॉच दैट मूवी। तो ये डिजिटल डिवाइसेस तभी कह रहा है। सीडी और डीवीडी क्या होता है? डीवीडी को सिंपली आपका क्या आ जाता है, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ये स्टोरेज फॉर्मेट है जो कि डेवलप्ड हुआ था या इन्वेंट जो हुआ था वो फिलिप्स ने किया था बाय सोनी, ठीक है, 1995 के अंदर। ये सिंपली आपका एक मीडियम, एक तरीका है डेटा को स्टोर करने के लिए जो कि डिजिटल डेटा हो, ठीक है। मैग्नेटिक टेप क्या है? ये तो बहुत ही पुराने दौर में यूज़ होती थी, लेकिन अभी कम हो गई है इनका यूज़, ठीक है। मैग्नेटिक टेप जो है सिंपली मीडियम होती है, ठीक है, एक मीडियम है, अ काइंड ऑफ मीडियम, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होती है। किसके इस ये बनी हुई होती है थिन मैग्नेटाइजेबल कोटिंग के साथ बनी हुई होती है, ठीक है। एक नीरो नेरो स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप का क्या मतलब है? स्ट्रिप का सिंपली ये मतलब है कि एक पट्टी होती है बिल्कुल, ठीक है, जिससे जिस पे वो बनी हुई होती है। प्लास्टिक फिल्म होती है इसके अंदर, ठीक है। फिल्म्स आपने देखी होंगी जो कि ब्लैक बच्चे इस इनके साथ, जिनके पास ये पुरानी पड़ी होती है, तो बच्चे निकाल कर खेलते भी हैं, अ काइंड ऑफ दैट ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। इट वॉज़ डेवलप्ड जर्मनी में, डेवलप हुई थी 1928 के अंदर, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक वायर रिकॉर्डिंग।